गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी राइट नाउ। इफ यू आर सब्सक्राइबिंग अन अकेडमी, यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस। इन लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर से अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आप पीयर ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पोल्स के आंसर्स दे सकते हैं। यू विल बी गेटिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको टाइम बाउंड लिमिट में इस मतलब सिलेबस को कवर करने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं। एंड प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है पूरा का पूरा। इट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी फॉर द यूपीएससी एग्जाम। You will be getting live tests and quizzes. Live tests and quizzes where you can check your All India ranking. You will be getting a performance analysis report. You will be getting unlimited access. Unlimited access का मतलब है single subscription से आप पूरे UPSC के लिए कर सकते हो। Prelims, mains, interview, everything is included in it. Guys, ये app मतलब जल्दी से जल्दी download कर लीजिए। This is going to help you a lot. And this is completely feature loaded app with latest content which is going to help you a lot. And daily basis पे मेरी 2-3 classes जो है ये Unacademy app पे होती है, so it will definitely boost your preparation. And these classes are available free of cost. Myself Gaurav Gupta, I'm author, mentor, motivator, having teaching experience of 8 years, have mentored more than 85,000 students across the country both online and offline, and have been associated with various prestigious institutes in Delhi. This is my Unacademy link. Unacademy app आप download करेंगे उसमें आपको इस सर्च करना है इस प्रोफाइल को गौरव गुप्ता 37 एंड यू विल गेट माय प्रोफाइल एंड आप उसको फॉलो कर लीजिए। आपको मेरी सारी क्लासेस के अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, यू विल बी गेटिंग क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी। सो आप अपने पसंद के एजुकेटर से अपने टाइम अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। राइट नाउ देयर आर 15,000 प्लस कोर्सेज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। ओके, सो अनअकैडमी प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। इसकी 2 इयर्स की फीस है 64,000, क्योंकि गाइस देखो यूपीएससी की तैयारी में मिनिमम आपको 2 साल का टाइम लग ही जाता है। सो इसकी 2 इयर्स की फीस है 64,000 एंड GG10 कोड अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर फी विल बी 57,600 रुपीज। इसकी 1 ईयर की फी है 44,000, GG10 कोड अप्लाई करेंगे इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर फी विल बी 39,600 रुपीज। सो आई वुड रिकमेंड टू गो विद द 2 इयर्स प्लान बिकॉज ये आपके लिए इकोनॉमिकली भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू 1 ईयर। एंड दूसरी बात क्या होती है कि यूपीएससी में आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, आई विश कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो, लेकिन स्टिल देयर आर सम चांसेस, आप सब जानते ही हो उस चीज अवेयर रही है। ओके, इसलिए आई वुड रिकमेंड टू सब्सक्राइब फॉर 2 इयर्स प्लान। एंड अनअकैडमी आइकॉनिक इज द लेटेस्ट वेरियंट विच वी हैव लॉन्च्ड। इसमें प्लस कोर्स के फीचर जैसे कि लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल इसमें मिलता ही आपको। बट इसके अलावा यू विल बी गेटिंग पर्सनल कोच, यू विल गेटिंग डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, यू विल गेटिंग स्टडी प्लानर एंड यू विल गेटिंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक। इसकी 2 इयर्स की फीस है 99,000, GG10 कोड अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर फी विल बी 89,100 फॉर 2 इयर्स। इसकी 1 ईयर की फी है 64,000, GG10 कोड अप्लाई करेंगे इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर फी विल बी 57,600 रुपीज। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन। यस गाइस, let us start a session. So guys, today we are going to cover 2 topics. First and the important one is the most important one, the heat budget. Heat budget of Earth. Heat budget of Earth. Yes guys, what do you understand by heat budget of Earth? या गुड इवनिंग गुलाब, शिवानी सिंह, मलिक बिस्मा, ब्रिजेश, अभय चौरसिया, आस्था, लेखिका, आकांक्षा, प्रफुल्ल राजपूत, वर्षा सिंह, रुद्रानी। यस, नाउ लेट अस स्टार्ट अ सेशन, हीट बजट ऑफ अर्थ। सो गाइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट बजट ऑफ अर्थ? हां जी बताइए, what do you understand by heat budget of earth? Yes, please tell me everyone, please tell me. It's okay, jinko idea hai wo bataiye please.
जिनको आइडिया है वो बताओ इसके बारे में, हीट बजट ऑफ ऑल के बारे में। यस, बैलेंस बिटवीन द इंसुलेशन ऑफ सन ऑन अर्थ टू इट्स रिफ्लेक्शन इज हीट बजट। देखो इन कट शॉर्ट व्हाट हैपेंस कि सपोज दिस इज अर्थ, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज सन, सो दी सन रेज the solar radiations which earth is receiving and absorbing is known as insolation. What we call it? Insolation. Insolation ka matlab kya ho gaya? Incoming solar radiation. Okay, so what happens basically when during the daytime earth absorbs the solar radiations which is coming from sun, so this is sun, okay, and during night time earth releases these absorbed solar radiations back to the atmosphere in the form of terrestrial radiations. What we call them? Terrestrial radiations. Now, as far as the heat budget is concerned, so heat budget is basically representing that there is a balance between the absorbed radiations and the radiations sent back to the earth, to the atmosphere. Heat budget ka matlab kya hai? Ki there is a balance that the earth, whatever the radiation earth has absorbed, उतनी रेडिएशंस अर्थ ने वापस एटमॉस्फेयर को सेंड बैक कर दी है. ओके, अब इस नाउ दिस हीट बजट, इन दिस वी विल स्टडी अ डायग्राम, एक सिंगल डायग्राम से वी विल यू नो कमांड द एंटायर टॉपिक. हीट बजट में पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, ओके, हीट बजट के हमें पढ़ने के लिए, टॉपिक के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट गाइस हीट बजट को हम एक सिंगल डायग्राम से समझ सकते हैं. And it is really, really, really very easy. How? Let us see. Suppose guys, this is our Earth surface. Suppose this is Earth. And this is sun. Okay, this is sun. And these are the solar radiations which sun is sending towards the earth, or which earth is receiving from the sun. These are the solar radiations. Okay. Now what happens? Let us assume that sun, Earth is receiving 100 units of solar radiation. मान लेते हैं कि एक दिन में जो अर्थ है वो अर्थ सन से 100 यूनिट्स की सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, या अर्थ जो है 100 यूनिट सोलर रेडिएशन को रिसीव करती है सन से. Now what happens? Out of these 100 units, 35 units. 35 units are sent back to the atmosphere as albedo. Albedo process ki wajah se earth pe aane wali 35 units pehle hi wapis atmosphere mein chali jati hai. What do you understand by albedo? Yes. So guys, albedo is the process in which solar radiations
आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अर्थ, यानी अर्थ पहुंचने से पहले ही जब सोलर रेडिएशंस वापस एटमॉस्फेयर में बाउंस बैक हो जाती हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्बिडो। सो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि मतलब अर्थ पे पहुंची भी नहीं और पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सो सपोज दीज आर सम स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ओके, दीज आर सम स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैविंग एवरेज हाइट ऑफ मे बी 8000 मीटर 6100 मीटर, ओके, देन वी हैव सम क्लाउड्स एंड देन वी हैव सम डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या है सर? दीज आर डस्ट पार्टिकल्स। प्लीज कीप ड्रॉइंग दिस डायग्राम, ओके, प्लीज कीप ड्रॉइंग दिस डायग्राम, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, ओके, प्लीज कीप ड्रॉइंग दिस डायग्राम। सो वी हैव सम स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, ओके, वी हैव ग्लेशियर्स, राइट, देन वी हैव सम क्लाउड्स and we have some dust particles also. I hope सबको यहाँ क्लियर होगा, ओके, आई होप सबको यहाँ क्लियर होगा। यस, हाँ जी बिल्कुल, बेसिक से क्लास स्टार्ट करवाएंगे बहुत जल्दी, नया कोर्स में प्लान कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे उसको, ओके, डोंट वरी। तो गाइस ये तो 35 यूनिट्स हैं, इन 35 यूनिट्स में से जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, ओके, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, दीज क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक 27 यूनिट्स, यानी जो क्लाउड्स हैं 27 यूनिट्स तो सिर्फ ये क्लाउड्स ही रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस 6 यूनिट्स, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस 6 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स है 6 यूनिट्स वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, एंड 2 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लेशियर्स, ओके, सो 27 प्लस 6 कितने हुए 33, एंड 33 प्लस 2 कितना हुआ 35 यूनिट्स। तो इन दिस वे हमने ये ब्रेकअप ले लिया 35 यूनिट्स का, कि 35 यूनिट्स कैसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इतना सबको क्लियर है गाइस? यस, बिल्कुल, एरोसोल पार्टिकल्स भी हो जाएंगे, ओके, और एरोसोल पार्टिकल्स भी हो जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसकी वजह से क्या होगा, 6 यूनिट्स जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली। क्लाउड सबसे ज्यादा कर रहा है कितना, 27 यूनिट्स, और ग्लेशियर में कौन सा, फ्रेश आइस, जो एल्बिडो होता है वो फ्रेश आइस का, फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा होता है, ओके, फ्रेश स्नो हैज द हाईएस्ट एल्बिडो। इतना सबको क्लियर है गाइस? यस, इतना सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? प्लीज रिस्पॉन्ड।
यस गाइस टेल मी प्लीज। सेशन को प्लीज लाइक भी कर दीजिए, प्लीज लाइक द सेशन ऑल्सो। ओके सो 35 यूनिट्स का तो हमें क्लैरिटी मिल चुकी है पूरी, राइट? वी आर क्लियर अबाउट 35 यूनिट्स। दैट मींस कि अर्थ एटमॉस्फेयर की तरफ कितनी यूनिट्स आ रही है, 65 यूनिट्स आ रही है। अब मैं ये पूरा रब कर देता हूं और नाउ लेट अस टॉक अबाउट 65 यूनिट्स डायरेक्टली। सो वी नो कि 35 यूनिट्स का अर्थ के एटमॉस्फेयर में या अर्थ के किसी प्रोसेस में कोई रोल नहीं है। 35 यूनिट्स पहले ही एल्बिडो के थ्रू, एल्बिडो प्रोसेस के थ्रू वापस जा चुकी है, यानी अर्थ हैज रिसीव्ड हाउ मच, हाउ मेनी यूनिट्स? तो 100 माइनस 35 यानी 65 यूनिट्स अर्थ ने रिसीव कर लिया। इतना क्लियर है सबको? नाउ दी 65 यूनिट्स आर reaching towards earth, but when the sun rays are entering into the atmosphere of the earth, so there is a ozone layer. And this ozone layer absorbs 14 units of this radiation and then allows the remaining 51 units, to reach the earth. इतना क्लियर है सबको? इतना सबको क्लियर है गाइस? यस, दिस अलाउज 51 यूनिट्स टू रीच टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। 14 यूनिट्स किसने एब्जॉर्ब कर लिया है? ओजोन लेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। इट हैज बीन एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। नाउ आउट ऑफ दिस 51 यूनिट्स 34 यूनिट्स are absorbed as direct radiations. इसमें 34 units earth directly absorb कर लेती है। This is earth. Okay. And the 17 units. 51 में से 34 माइनस कर दो कितना आएगा? 17। एंड द 17 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब बाय अर्थ इन द डिफ्यूज मैनर, लाइक पार्टिकल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होते हुए इस तरह से डिफ्यूज मैनर में स्कैटर होते हुए पार्टिकल्स से सोलर रेडिएशन इस तरीके से अर्थ एब्जॉर्ब कर देते। So 34 units as direct units, direct waves, and the remaining 17 units as diffused form. इतना clear है सबको? Yes, इतना clear है सबको? Yes, guys. This much portion is clear to everyone. Now this is climatology, और हम यहाँ पे एकदम step by step move कर रहे हैं. Okay, this is climatology and we are moving step by step. Okay.
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क अ क्वेश्चन नाउ। ओके ठीक है आगे मूव करें। सो अर्थ के पास 65 यूनिट्स आई हैं। 65 यूनिट्स कैसे कैसे अर्थ ने यूज करी है वे हमने देख लिया। कैसे 14 यूनिट्स ओजोन लेयर ने अब्सॉर्ब कर ली, 34 यूनिट्स अर्थ ने डायरेक्ट वेव्स की फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लिया है, एंड 17 यूनिट्स हैज बीन अब्सॉर्ब इन डिफ्यूज फॉर्म, यानी कि ये स्कैटर्ड होते हुए हीट नीचे आ रही है। ओके अब ये तो था जो हीट एब्सॉर्ब की है। ओके ये तो है जो हीट इसने एब्सॉर्ब किया है। अब अर्थ जो है एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला प्लैनेट है। ओके ये बात और है कि ह्यूमन बीइंग्स में वैल्यूज और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, बट अर्थ एज अ प्लैनेट इज अ वेरी यू नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग प्लैनेट। इसकी अपनी बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अर्थ कहती है कि भैया जितनी मैंने सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है ना उतनी ही मैं वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दूंगी, उतनी ही रेडिएशन मैं वापस एटमोसफेयर को भेज दूंगी। कैसे इसको आप देखते हैं, इसको मैं रब कर दूं। सबने ड्रॉ कराया कि नहीं ड्रॉ करा इसको, ये डायग्राम सबने ड्रॉ कराया कि नहीं कराए? यस प्लीज टेल मी, ये डायग्राम सबने ड्रॉ कराया कि नहीं कराए ड्रॉ? यस गाइस टेल मी प्लीज, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम और नॉट? यस यस गाइस चलिए नाउ लेट मी यू नो रब दिस डायग्राम। अब देखते हैं कि अर्थ अर्थ जो है एटमॉस्फेयर को ये रेडिएशंस किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करती है। ओके फाइन so when earth is releasing back the radiations these releasing back radiations are known as terrestrial radiations। इनको हम क्या बोलते हैं? terrestrial radiations। जब earth absorbed radiations को वापस भेज रही है then these are called terrestrial radiations। और इन terrestrial radiations में 19 units are used in atmosphere by the process of condensation rainfall cloud formation। कहने वाला क्या है कि 19 यूनिट्स अर्थ ने कैसे रिलीज करी है? वॉटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज करी है ऊपर। ये वॉटर वेपर्स क्या करते हैं? ऊपर जाके कंडेंस हो जाएंगे, क्लाउड्स बना लेंगे, और क्लाउड्स बनते के साथ ही दे विल रिलीज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, दे विल रिलीज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और इस तरह से जो स्टोर्ड हीट है, लेटेंट हीट कौन सी होती है? स्टोर्ड हीट। तो इस वे इन दिस वे दे रिलीजेस बैक द 19 यूनिट्स एज द लेटेंट हीट। ओके दे रिलीजेस बैक द 19 यूनिट्स as latent heat। Okay, then nine units are reflected back as convection, nine units are reflected back as कन्वेक्शन। ठीक है गाइस, देन सिक्स यूनिट्स आर
एब्जॉर्ब्ड बाय CO2, छह यूनिट्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और फिर बाद में उसको आगे रिलीज कर लेती है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट 17 यूनिट्स अर्थ डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को रिलीज कर देती है। ये 17 यूनिट्स दे रीच डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर, डायरेक्टली टू एटमॉस्फेयर। राइट, सो यू कैन कैलकुलेट 19 यूनिट्स प्लस 9 यूनिट्स कितने हो जाएंगे, ये 28 यूनिट्स, 28 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स कितनी हो जाएंगी 34 यूनिट्स, एंड 34 यूनिट्स एंड 17 यूनिट्स कितनी हो जाएंगी 51 यूनिट्स। तो 51 यूनिट्स जो है अर्थ ने आउटर एटमॉस्फेयर को भेज, अपने एटमॉस्फेयर को भेजी है। और आपको शायद ध्यान होगा कि ओजोन लेयर ने 14 यूनिट्स पहले से ट्रैप करी हुई थी, तो 14 यूनिट्स ओजोन लेयर ने ट्रैप की हुई थी और इस तरीके से अर्थ ने वापस एटमॉस्फेयर को 51 यूनिट्स भेज दी अलग अलग मोड से। इन टोटल 51 प्लस 14 कितना होगा 65 यूनिट्स। सो द एटमॉस्फेयर में वापस, एटमॉस्फेयर से वापस कितनी यूनिट्स चली जाती है 65 यूनिट्स चली जाती है। तो 65 यूनिट्स आई थी और 65 यूनिट्स ही वापस आउटर एटमॉस्फेयर को चली गई। राइट, यस, सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? तो गाइस 65 यूनिट्स एटमॉस्फेयर पे वापस ऐसे चली गई और इसके अलावा 35 यूनिट्स जो हैं ये क्लाउड से, ग्लेशियर से, डस्ट पार्टिकल से पहले ही एल्बिडो प्रोसेस से चली गई। तो जो 100 यूनिट्स आई थी, 100 यूनिट्स किस तरह से वापस एटमॉस्फेयर में गई है, वी हैव स्टडीड एंटायर फिनोमिना इन जस्ट हाफ एन आवर अबाउट हीट बजट। क्लियर और नॉट क्लियर? ये डायग्राम याद कर लोगे पूरा हीट बजट याद हो जाएगा। क्लियर है? यस, ये डायग्राम आप याद कर लोगे आपको पूरा हीट बजट अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे कैसे? नाउ लेट अस स्टार्ट सम थ्योरी पोर्शन, द अर्थ हीट बजट एंड इट्स रेडिएशन। सो लेट अस चेक दिस एनिमेशन, let us check this animation. Okay, aage hum gaye, the net flow of energy the net flow of energy into earth in the form of short wave radiations and the outgoing infrared long wave radiation into space is known as earth's heat budget or earth's radiation balance. The incoming heat is absorbed by the earth and outgoing heat escapes the earth in the form of radiations and both are evenly balanced. Dono ka balance hona bahut zaruri hai, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग हीट इज नोन एज अर्थ हीट बजट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडिएटिव इक्विलिब्रियम? द हीट बजट एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मस्ट बी इन बैलेंस्ड स्टेट व्हिच इन टर्न इज कॉल्ड रेडिएटिव इक्विलिब्रियम। 29% ऑफ द सोलर एनर्जी
that reaches the top of the atmosphere is reflected back to the space by clouds, atmospheric particles or earth surface like sea ice and snow. Okay, आप 35 यूनिट ही लेके चलना, ओके, क्योंकि जितने भी इंडियन ऑथर्स हैं दे काउंट 35 यूनिट्स. ओके, सो हाउ द हीट बजट इज अचीव्ड, हाउ द हीट बजट इज अचीव्ड, हीट और एनर्जी प्लेज नो रोल इन अ सिस्टम. अबाउट 23% ऑफ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय वाटर वेपर डस्ट एंड ओजोन एंड 48% पासेस थ्रू द atmosphere and is absorbed by the surface. Thus, in total, 71% of the total incoming solar radiation is absorbed by the earth. Earth का मतलब है यहाँ पे earth के atmosphere की बात कर रहा हूँ मैं. Okay, guys, let's do one thing. I will be guiding you. I will be dictating some notes. Please start writing some notes about heat budget of the earth. Please start writing about the heat budget of the earth. The heat budget, ये main exam के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं. Notes आपको theory वाली मिली जाएंगे सारे, लेकिन ये एक model answer के form में मैं आपको लिखवा रहा हूं. The heat budget is the configuration of energy balance between insulation and outgoing radiation and outgoing radiation. This phenomena of absorption and emission of heat energy by different atmospheric bands and surface of earth regulates the exchange of mass and energy between earth and atmosphere and within atmosphere
यस किशन मोची आप लिखना इस पर स्टार्ट करो, ठीक है? यस आप इस पर लिखना स्टार्ट करो। यस गाइस, सो सबने लिख लिया ये? यस एवरीवन हैज रिटन बिकॉज दिस इज अ मॉडल आंसर। नोट्स आपको मिल ही जाते हैं सारे, बट दिस इज समथिंग कि आपको क्रिस्प और कंसाइज, आपको कुछ अगर एक शॉर्ट नोट आ जाए 100 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का हीट बजट पे, तो उस केस में आपको जो है मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो एक्सचेंज ऑफ मास एंड हीट से यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, जो जो रेडिएशंस आई हैं वो रेडिएशंस जो है वापस अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, कन्वेक्शन की फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के फॉर्म में, डायरेक्ट रेडिएशंस के फॉर्म में। ओके यस नाउ आगे इसको लिखते हैं। ब्रॉडली होल कॉन्फ़िगरेशन ब्रॉडली द होल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीट बजट कैन बी क्लासिफाइड कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर वन हीट एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड बाय अर्थ एंड नंबर टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड बाय लोअर एटमॉस्फेयर। ओके सो हम इसको बेसिकली दो कैटेगरीज में से पढ़ेंगे। पहला होगा हीट एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड बाय अर्थ एंड सेकेंड अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड बाय लोअर एटमॉस्फेयर। यस सबको क्लियर रही है? यस सबको क्लियर है? हैप्पी सोनी हीट बजट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट अगर नॉर्मली हम बात बजट की बात करें तो बजट का क्या मतलब है? एक बैलेंस होता है ना कि भाई बजट के हिसाब से चलो, बजट के हिसाब से खर्चा करो, तो क्या एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। इन द सेम वे अर्थ जितनी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और जितनी रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है, दोनों के बीच बैलेंस होता है, इसी बैलेंस को हम हीट बजट बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? यस गाइस यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? प्लीज टेल मी। गला ऑलरेडी खराब है तो जरा जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यस सबको क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है यहां तक?
लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ब्रजेश यस चलिए आगे मूव करते हैं। सो गाइस पहली हेडिंग डालो हीट एब्सॉर्ब्ड एंड रेडिएटेड बाय अर्थ, ये हेडिंग डालो जल्दी से। हीट एब्सॉर्ब्ड एंड रेडिएटेड बाय अर्थ। यस यस हीट एब्सॉर्ब एंड रेडिएटेड बाय अर्थ। सो अब इसको पढ़ते हैं यहां पर। सो हीट कितनी एब्सॉर्ब हुई है अर्थ में इन टोटल, द अर्थ एब्सॉर्ब्स 51 यूनिट्स। ठीक है, इन टोटल द अर्थ एब्सॉर्ब्स 51 यूनिट्स एंड रिफ्लेक्ट्स बैक 51 यूनिट्स टू द एटमॉस्फेयर। अच्छा ब्रिजेश तुम बात कर रहे हो एडियाबेटिक लैप्स रेट की, आई थिंक तुम लैप्स रेट की बात कर रहे हो कि टेम्परेचर डिक्रीज बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके नो रुद्रानी, थोड़ा सा मतलब थ्रोट जो है मतलब पूरी हो गई है, बोल बोल के आप देख रहे हो सुबह से लेक्चर चल रहे हैं। ओके थोड़ा सा गला खराब है, अदरवाइज आई एम फाइन। यस यस ब्रिजेश सबको क्लियर, ब्रिजेश क्लियर हो गया वो, तुम लैप्स रेट की बात कर रहे हो आई थिंक, जो ऊपर जाके डिक्रीज होता है वो लैप्स रेट ही होता है बेसिकली। यस सो अर्थ ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है 51 यूनिट्स। ठीक है 51 यूनिट्स में, यस इन दीज 51 यूनिट्स, In these 51 units, 17 units are released back to atmosphere directly, okay, and these waves या these radiations are not trapped by atmosphere. Are not trapped by atmosphere. Okay, guys. चलिए आगे बढ़ते हैं, सबने लिख लिया है इसको। Then
19 यूनिट्स आर यूज्ड, 19 यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, एंड प्रेसिपिटेशन। Nine units are used for the purpose of convection and the remaining 6 units, are absorbed by carbon dioxide, plus वाटर वेपर, भी इसमें ऐड कर लेगा। किशन मोची, ये 100 units हमने ना स्टैंडर्ड लिया है, परसेंटेज नहीं लिया है। 100 units को तुम परसेंटेज के बेसिस पे नहीं काउंट कर सकते हो, ठीक है? यस, ओके गाइस, तो ये था जो हीट अर्थ ने एब्जॉर्ब करी है, राइट? ये हीट है जो अर्थ ने एब्जॉर्ब करी है। अब आते हैं नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट। सेकेंड हैंडिंग डालना, अमाउंट ऑफ हीट। एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड बाय एटमॉस्फेयर, So in total, the lower atmosphere, the lower atmosphere absorbs 48 units of insulation and of these 48 units, 14 units are absorbed by, 14 units कौन absorb कर लेता है? Ozone layer, by ozone layer, okay, while 34 units
are received back from earth through condensation convection CO2 etc. Right? Yes. इतना क्लियर है सबको गाइस? इतना सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 48 यूनिट्स एटमॉस्फेयर को कैसे मिल रही है? इसमें कुछ लोगों के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी कि भाई ये कैसे हो रहा है ये? तो देखो, हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है, ओजोन ने 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब करी हुई थी, ठीक है? ये इसने पहले ही 14 यूनिट्स अपने यहां पे होल्ड कर रखी थी। अर्थ को कितनी मिली थी? 51 यूनिट्स मिली थी। 51 यूनिट्स में अर्थ ने 17 यूनिट्स डायरेक्टली आउट एटमॉस्फेयर को भेजी है। ये मतलब एटमॉस्फेरिक लेयर्स में कहीं पे भी ट्रैप नहीं हुई है, ये सीधा स्पेस में चली गई है। ओके, तो 51 में से 17 आप माइनस करो, कितना आएगा? यस, 51 में से 17 माइनस करो, कितना आएगा? 34। ये 34 यूनिट्स अर्थ की तरफ से वापस जा रही है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स में से होती हुई जाएगी। तो 34 और 14 कितनी हो गई? 48 यूनिट्स हो गई। अब क्लियर है ब्रिजेश? हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक लेयर की, कि एटमॉस्फेरिक लेयर को कितनी हीट मिल रही है। क्योंकि देखो, अर्थ और अर्थ का पूरा सिस्टम, पूरा एटमॉस्फेरिक सिस्टम ये सब वर्क करता है, तो इसके लिए सोलर रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें हमें काफी सारी हीट ट्रैप भी करनी होती है। अगर हीट हमने ट्रैप नहीं करी होगी तो डेफिनेटली फिर गाइस वो जो है मतलब हमारे यहाँ पे एक कोल्ड स्टेज आ जाएगी, एक विंटर स्टेज आ जाएगी, चिल्ड स्टेज आ जाएगी, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी उसमें, ठीक है? आई स्टेज आ जाएगी। अब क्लियर है 48 यूनिट्स कैसे हुआ ब्रिजेश? क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर एवरीवन? अब क्लियर है सबको, राइट? अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप एक कंक्लूजन लिख दो, एक कंक्लूजन लिख दो बस। In the course of time, all these 48 units, all these 48 units received by the lower atmosphere shall be radiated back by lower atmosphere and does the cycle of heat budget is complete. Complete.
क्लियर है गाइस? लोग अभी भी बेचारे बिनोर बिनोर करते हैं, बिनोर इतना पुराना आ गया, बिनोर इतना पुराना हो गया, अभी भी बेचारे कौन से जमाने में अटके हुए हैं, ये सारे मुंह होते हैं। अब थोड़ा सा जो थ्योरी वाला पार्ट जो इसमें लिखा हुआ है एक बार उसको पढ़ लेते हैं एंड फिर आगे मूव करते हैं अपना। द थ्री लेवल्स ऑफ द प्रोसेस टू अकर, द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द एज ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, द एटमोस्फेयर इन बिटवीन। At each level, the amount of incoming and outgoing energy must be equal and balanced. The atmosphere and the surface of the earth together absorb 71% of the incoming solar radiation. So it is necessary that to maintain in the balance of energy, they must radiate that much energy back to space to keep the earth's average temperature stable. आप सोचो कि हाँ वो जाएगा लोअर एटमॉस्फेयर से ही ब्रिजेश, वो जाएगा लोअर एटमॉस्फेयर से, लेकिन एटमॉस्फेरिक लेयर की अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर की अपनी कैपेसिटी होती है, ओके। और ये वेव्स क्योंकि डायरेक्टली रिलीज हो रही हैं, तो ये काफी ज्यादा इंटेंस होती हैं। बाकी की जो वेव्स रिलीज हो रही हैं वो या तो डिफ्यूज फॉर्म में हो रही है या उनकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली काफी वीक है, इस वजह से ये वापस जा रही है तो एटमॉस्फेरिक लेयर के थ्रू जा रही है ऐसे, यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर में ट्रैप होती हुई जा रही है। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेरिक लेयर में बहुत लंबे टाइम तक रुकेंगी, बट वो उसमें ट्रैप होंगी, उसमें होल्ड होंगी काफी टाइम के लिए, फिर आगे मूव करेंगी, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। देखो हीट बजट का टॉपिक बहुत लोग छुड़वा देते हैं एकदम ही, ठीक है, क्योंकि इतना कौन एफर्ट डालेगा कि परसेंटेज लिखना है, यूनिट्स लिखना है। आप परसेंटेज लिखना चाहते हो आप परसेंटेज लिख लो, आप यूनिट्स लिखने आप यूनिट्स लिख लो, ओके। लेकिन ये मेन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए हम इसको स्किप तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। हाँ मैंने आपको डिटेल में एक मॉडल आंसर भी आपको लिखवाया मेन्स के लिए, ओके। द एटमोस्फियर रेडिएट्स हीट equivalent to 59% of incoming sunlight. The surface radiates only 12%. In other words, most solar heating happens at the surface while most radiative cooling happens in the atmosphere. Now, role of evaporation, convection and thermal infrared radiation. For the energy budget at Earth's surface to balance, the processes on the ground must get rid of the 48% of incoming solar energy that the ocean and land surface has absorbed. Right? Okay, energy leaves the surface through the three processes, evaporation, convection, then emission of thermal infrared energy. Now, इन्होंने पूछा है कि यूपीएससी पूछता है कि टोटल हीट का कितना परसेंट अर्थ हीट एब्जॉर्ब करती है। देखो जो आप पूछ रहे हो ना वो होती है कैलोरीज, किलो कैलोरीज कितनी अर्थ ने एब्जॉर्ब करी है, ओके। पूरी अर्थ का कैलकुलेट करोगे काफी अच्छी भली यूनिट आ जाएगी, ओके। जितनी हीट अर्थ एक दिन में अब्सॉर्ब करती है, जितनी सोलर एनर्जी हम एक दिन में अब्सॉर्ब करते हैं ना, अर्थ रिसीव करती है, अगर उसको हमने अगर किसी तरह से स्टोर कर लिया तो ना जाने कितने हमने डीएस तक के लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग दिस ऑर नॉट? ओके, नाउ द सरफेस एब्सॉर्ब्स 48% ऑफ इनकमिंग सनलाइट एंड थ्री प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन, कन्वेक्शन एंड थर्मल infrared radiation or heat, so net is 17% removes an equivalent amount of energy from the earth's surface. So ये कुछ additional points हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं एक दूसरे topic पे, atmospheric pressure belt. Atmospheric pressure belts. Let us come to atmospheric pressure belts.
सो गाइस पहले ये एक एनिमेशन देख लेते हैं। ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स, सो गाइस ये टॉपिक हम जो है अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कल के लिए, दिस इज अ फ्रेश टॉपिक, तो ये आज की एक सिंगल क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा आगे, सो इसलिए इसको हम फ्रेश टॉपिक को कल से स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी बेसिक स्टूडेंट है जो जनरली पढ़ रहा है और सीरियसली समझने की कोशिश कर रहा है उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो, और कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है प्रोफेसर माजिद हुसैन की, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे उसको, एंड इट्स टाइमिंग विल बी 11:30 AM मॉर्निंग में 11:30 AM पे होगा। सो गाइज बी रेडी फॉर दिस सेशन। ओके यस 5 degree नॉर्थ एंड साउथ से मुड़ जा रहा है ये, यस दिस इज द डोल्ड्रम रीजन, ये डोल्ड्रम रीजन है, इस पर डिस्कस करेंगे कल। ओके वी विल डिस्कस दिस टुमारो, सो कल की टाइमिंग क्लास की ध्यान रखना, मॉर्निंग में 11:30 AM पे हमारी क्लास होगी प्रोफेसर माजिद हुसैन की। ओके एंड ये वाली बुक जो है जो स्टूडेंट्स 2021 में दे रहे हैं, 22 में दे रहे हैं या 2020 में, सभी के लिए एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, एंड मेक श्योर कि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारी जनता बेवकूफ़ हो चुकी है इस देश में, उनकी तरह पागल ना बने, विनोद विनोद जय जय इन सबको करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, विनोद बेकार में बेचारा पॉपुलर हो गया, कुछ ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हारा नाम पॉपुलर हो, अब नाम पॉपुलर करना है तो पॉजिटिवली कुछ काम करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव, ये नहीं पता चला विनोद 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 पता चला कल को किसी और का नाम भी ऐसे हो गया। हाँ जी यूट्यूब पे होगी ये क्लास, ये 11:30 AM मॉर्निंग की क्लास ये यूट्यूब पे होगी, ठीक है, हाँ जी यूट्यूब पे होगी ये क्लास ये, सो गाइस बी रेडी, इट इज वेरी यू नो अमेजिंग सेशन एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट, यू विल डेफिनेटली लाइक इट, सो बी रेडी फॉर टुमारो 11:30 AM शार्प। ओके चलिए थैंक यू वेरी मच।